खबर सासाराम से है। सासाराम के सदर अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के मनमानी की तस्वीर सामने आई है। हम बात करते हैं सासाराम के सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर कन्हाई महतो की, जो अपनी ड्यूटी के वक्त अपने चैम्बर में न रहकर परिसर में ही निजी रूप से मरीजों का इलाज करते हैं। यह तस्वीर सासाराम सदर अस्पताल परिसर की है। उनके चैम्बर के बाहर महिला पुरुष मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब चैम्बर में नहीं, वे अपने चैम्बर के बाहर अस्पताल परिसर में ही अपने प्राइवेट पुर्जा पर मरीजों का इलाज करते दिख रहे हैं। डॉक्टर के साथ उनके निजी कर्मी भी हैं, जो डॉक्टर कन्हाई महतो का निजी पुर्जा हाथ में लिए हुए हैं। 8 से 10 मरीजों को डॉक्टर द्वारा निजी पुर्जे पर परिसर में इलाज किया जा रहा है, जबकि सरकारी पुर्जा काउंटर से लेकर मरीज कतार में खड़े हैं तथा डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर कन्हाई महतो सदर अस्पताल के पास ही निजी क्लिनिक चलाते हैं। ड्यूटी के समय में भी उनके गायब रहने की शिकायत मिलती है, लेकिन अब तो हद हो गई, जब अपने निजी पुर्जा पर वे अस्पताल परिसर में मरीजों को चिकित्सकीय सलाह देते नजर आए। सदर अस्पताल में उनके चैम्बर में तैनात स्वास्थ्यकर्मी जुल्फिकार अली से पूछे जाने पर बताया कि डॉक्टर पानी पीने गए हैं, जबकि वह परिसर में ही निजी पुर्जे पर मरीजों को देखते पाए गए। इस संबंध में पूछे जाने पर डॉक्टर कन्हाई महतो कैमरे से भागते नजर आए तथा कहने लगे कि सरकारी और प्राइवेट मरीज में क्या अंतर होता है। बड़ी बात यह है कि सदर अस्पताल परिसर में अपनी ड्यूटी के समय डॉक्टर चैम्बर में ना रहकर अस्पताल के परिसर में ही अपने निजी पुर्जे पर मरीजों का इलाज करते हैं, जबकि सरकारी पर्चा लेकर गरीब मरीज घंटों कतार में खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। किस लिए यहाँ पे खड़े हैं? दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई आपको? नहीं। कहाँ गए डॉक्टर साहब? क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का नाम पता है आपको? आपका क्या नाम है? नीलम। कहाँ गए? पानी पानी पीने। क्या टाइम हो रहा है भाई? 11:51। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? कन्हाई महतो। डॉक्टर कन्हाई महतो। प्राइवेट क्लिनिक भी चलता है क्या उनके? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जुल्फिकार अली। पी रहा है तो सरकारी प्राइवेट कहाँ से है? तो यही सब बाइट मने लेते रहते हैं। क्या करें सर, हम लोग का काम हो गया।